डियर स्टूडेंट्स, एक नया प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चंस का आज हम सभी बनाएंगे, जो 8 नंबर एपिसोड बीपीएससी का जो होमवर्क का 8 नंबर एपिसोड है उस पर बेस्ड है, जिसमें हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य, नागरिकता, ज्वालामुखी, उसके बाद इकोनॉमी में शेयर बाजार, साइंस में केमिकल बॉन्डिंग, प्लांट टिश्यू, उसका स्पेक्ट्रम, करंट अफेयर्स, 2011 की जनगणना जिसमें फीमेल लिटरेसी रेट के बारे में था, इस पर बेस्ड है। 30 क्वेश्चंस का सेट है, उम्मीद है कि आपने इसे बनाया होगा। कट ऑफ होगा जनरल मेल के लिए 23 का, जबकि फीमेल और रिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ होगा 20 का। उम्मीद है कि इसके आसपास आपके स्कोर्स होंगे। एक और बात, जो बहुत सारे लोग जो सब स्पेक्ट्रम वाले हैं वो कह रहे हैं कि एपिसोड नहीं आ रहा है, तो 6 बजे मॉर्निंग में इसका टाइम फिक्स हुआ है, तो कल 6 बजे मॉर्निंग में सब इंस्पेक्टर का जो टॉपिक है वो आएगा। चलिए बनाते हैं इस नए 30 क्वेश्चंस के नए एपिसोड को, जिसका पहला क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है कि अशोक की भांति किस मौर्य शासक ने देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। अशोक की तरह ही देवों का प्रिय किसने उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दशरथ। अशोक के पौत्र पोते दशरथ ने देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, अशोक की तरह। इसने भी गया की बराबर पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों से संबंधित ये दूसरा क्वेश्चन प्रश्न है कि अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जो दो दो लिपियों में खुदा हुआ है, इंस्क्रिप्टेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा शारे-कुना अभिलेख। अफगानिस्तान में शारे-कुना अभिलेख दो दो लिपियों में, ग्रीक और आरामाइक लिपियों में खुदा है। अशोक के अभिलेख की भाषा प्राकृत है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगांबर संप्रदायों में किसके शासनकाल में विभाजित हो गया, स्प्लिट हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय लगभग 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में जैनों की पहली संगीति हुई, पहला संगम हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। यहीं पर जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, बिहार में चौकीदारी कर विरोध हुआ था, ये किस आंदोलन का भाग था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। पांचवा प्रश्न, भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। याद रखें स्टॉक एक्सचेंज का नाम बॉम्बे ही है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। तो बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, जो एक मैचिंग है, आपको बताना है कि निम्नलिखित शेयर सूचकांक यानी शेयर इंडेक्स से संबंधित सही मैचिंग कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 का 3, B का 4, C का 1 और D का 2, FTSE लंदन यानी ब्रिटेन का शेयर सूचकांक है। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप जो भाग 2 भारतीय संविधान में वर्णित है कि संकल्पना किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन, 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया था। प्रश्न है कि इस एक्ट के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधानों में कौन असत्य है, रॉन्ग है, यह आपको चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय संधियों से भारत में नागरिकता नहीं मिलती, जबकि रजिस्ट्रीकरण या नए राज्य क्षेत्रों का भारत में मिल जाना या देशीकरण से भारत की नागरिकता मिल सकती है। नाइन्थ क्वेश्चन, ओजल डेल सलाडो एक एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, आपको बताना है कि यह किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित ये ओजल डेल सलाडो सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट दसवां प्रश्न, ज्वालामुखी विस्फोट में यानी वॉल्केनिक एरप्शन में सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाला पदार्थ कौन सा है।
प्रश्न ठीक से समझ लें, सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाला पदार्थ मैटर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टेफ्रा। टेफ्रा सबसे अधिक मात्रा में निकलता है, जबकि गैसों का जहां तक संबंध है तो सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाली गैस जलवाष्प है, लेकिन पदार्थ की जहां तक बात होगी तो टेफ्रा सबसे अधिक मात्रा में निकलता है, यानी उसके आंतरिक क्रियाओं से कंकड़ पत्थर या दूसरे ठोस पदार्थ जो निकलते हैं वो टेफ्रा कहलाते हैं। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने के लिए किसने 1000 हस्ताक्षरों से युक्त एक प्रार्थना पत्र सरकार को भेजा जो 1856 के विडो रीमैरिज एक्ट का कारण बना? यह स्पेक्ट्रम से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ईश्वर चंद विद्यासागर। लॉर्ड डलहौजी के समय विडो रीमैरिज एक्ट बना था। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक बंधनों में बाइंडिंग एनर्जी का सही क्रम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग से यह प्रश्न, जिसमें आपको बताना है कि बाइंडिंग एनर्जी किस में सर्वाधिक होती है या उसका सही क्रम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंगल बॉन्ड की बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम जबकि ट्रिपल बॉन्ड की बाइंडिंग एनर्जी सबसे अधिक होती है। बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस को बांध कर रखता है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में वह मौर्य शासक अमित्रघात के रूप में जाना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार ने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है मित्रों का नाश करने वाला। यूनानियों ने इसे अमित्रोचेटस कहा है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है इसकी पहचान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्राकाटाओ, जो पेरू में नहीं इंडोनेशिया में है, सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भाग में पहुंचाने वाला प्लांट टिश्यू शो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्लोएम। फ्लोएम भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है, प्लांट टिश्यू है, जबकि जाइलम जल पहुंचाता है पौधों के अन्य भागों में। 16वां क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख से धर्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति का पता चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5वां शिलालेख। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से रासायनिक बंधन बनता है तो यह किस प्रकार का केमिकल बॉन्डिंग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सह संयोजक बंधन। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, संवेदी सूचकांक यानी सेंसिटिव इंडेक्स जो सेंसेक्स है वो कितने शेयरों का और किसका सेंसेक्स है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बीएसई 30। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, समस्त मानव जाति के लिए कोई ईश्वर नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सहादरन अय्यप्पन ने। 19वीं शताब्दी के प्रमुख धर्म सुधारक श्री नारायण गुरु, जो केरल के थे, उन्होंने एक नारा दिया था कि समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति और एक धर्म। उनके शिष्य ने इसे उलट दिया, समस्त मानव जाति के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई ईश्वर नहीं। तो इंटरेस्टिंग है, ये स्पेक्ट्रम से लिया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, बिहार में नमक आंदोलन के दौरान कोई समुद्र तट नहीं रहने के कारण, क्योंकि बिहार में सी कोस्ट नहीं था, किसका प्रयोग नमक बनाने के लिए सांकेतिक रूप से किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोडा। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महिला साक्षरता जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? निम्नलिखित में से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम। यहां पर केरल चॉइस में नहीं है, केरल के बाद मिजोरम और गोवा तीन बड़े साक्षरता वाले राज्य हैं। नेक्स्ट
22वां क्वेश्चन, यहाँ पर अगेन एक मैचिंग आ गया है। मौर्य काल के प्रमुख अधिकारियों का सही मैच करके आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन, 16 नवंबर 1927 को लीडर्स मैनिफेस्टो, ये बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, किसके विरोध में प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुई, ऐसे में इसके विरोध में, चूंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, भारतीय नेताओं ने एक मैनिफेस्टो तैयार किया जिसे लीडर्स मैनिफेस्टो कहा गया, जिसमें भारत के और बिहार के बड़े नेताओं के हस्ताक्षर थे। 1927 में ये लीडर्स मैनिफेस्टो आया। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह ज्वालामुखी जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रैम्बली ज्वालामुखी, जो सिसली इटली में है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, जो स्त्री फीमेल लिटरेसी से संबंधित है, 1849 में स्त्री शिक्षा के लिए समर्पित पहला आधुनिक स्कूल स्थापित हुआ वो कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बेथुन स्कूल कलकत्ता, तत्कालीन कलकत्ता, जिसे जेईडी बेटन या जेईडी बेथुन ने स्थापित किया था 1849 में। हालांकि भारत में स्त्री शिक्षा के लिए सबसे पहले प्रयास सावित्री बाई फ्यूलो ने किया था, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका भी थी। अब जो 5 क्वेश्चंस हैं ये करेंट अफेयर्स के हैं, जो दिसंबर 2019 के इकोनॉमी सेक्शन से आपको पढ़ने के लिए कहा गया था किसी भी मंथली मैगजीन से। तो आइए पीटी से इकोनॉमी सेक्शन से ये 5 क्वेश्चंस देखते हैं जो करेंट अफेयर्स के हैं दिसंबर 2019 के। 26वां क्वेश्चन है कि भारत पर कुल विदेशी ऋण में सर्वाधिक ऋण यानी डेट का भाग किस प्रकार का है, कैसा ऋण भारत ने लिया है सबसे अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दीर्घकालिक ऋण यानी लॉन्ग टर्म डेट। भारत पर $550 बिलियन का कर्ज है, जिसमें सर्वाधिक भाग लॉन्ग टर्म डेट का है, यानी 80% भाग भारत ने लंबी अवधि के लिए, इसे वापस करना है उसकी शर्तें लंबी अवधि के लिए हैं, तो ये लॉन्ग टर्म डेट है। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट यानी व्यापार के लिए सुगमता सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 63वां। 2019 में जो 2020 के लिए घोषित हुआ है उसमें भारत का स्थान 63वां है, और इसकी बड़ी चर्चा हुई है क्योंकि भारत पिछले साल के सापेक्ष 14 स्थान की उन्नति कर रहा है। पिछली बार 77वां पोजीशन था वर्ल्ड बैंक द्वारा घोषित इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन, पशुधन गणना हुई है यानी लाइव स्टॉक्स जितने भी पशु हैं उनकी गणना हुई है 2019 में, आपको बताना है कि किस पशु की संख्या में एकमात्र ग्रुप जिसकी संख्या में नंबर्स में कमी आई है, ये कौन सा जानवर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुअर। इस लाइव स्टॉक सेंसस में सुअर में एकमात्र है संख्या में कमी आई है, गए रेस्ट सारे पशु पक्षी बढ़े हैं। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन, क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर निम्नलिखित में से वह देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ये कौन सा देश है, पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कतर। कतर परचेजिंग पावर में टॉप पर है, जबकि पर कैपिटा जीडीपी में पर कैपिटा में लक्जमबर्ग टॉप पे है, ये हमें ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 68।
68वां स्थान है। अब यहाँ पर भारत का 10 स्थान नीचे हुआ है। पिछले साल भारत 58वें स्थान पे था, इस साल 68 पे आ गया है। तो कॉम्पिटिटिवनेस में भारत का स्थान थोड़ा नीचे आया है, लेकिन ये संख्या है 68, जबकि टॉप पे है सिंगापुर। टॉप पे सिंगापुर है, यह हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर 68वां पोजीशन भारत का है। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस, जिसमें कट ऑफ जेंडर के लिए 23 था और फीमेल और रिजर्व कैटेगरी के लिए 20 था। तो आप काउंट करें, देखें कि टॉपिक्स देने के बाद इस तरह के प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहता है। टेक केयर।